दोस्तों, कैसे हुआ राधा कृष्ण का कुरुक्षेत्र में अंतिम मिलन। 100 वर्ष तक रोलोक में रहने और पृथ्वी पर 100 वर्ष तक एक दूसरे से दूर रहने का श्राप झेलने के बाद द्वारिका के राधा श्री कृष्ण और राधा रानी मिले। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण और बलराम जी गोपियों के मिलन का वर्णन मिलता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, एक बार जब श्री कृष्ण द्वारिका में थे तब एक सार्वभौमिक सूर्य ग्रहण था, जैसा कि प्रलय के समय होता है। परीक्षित मनुष्य को ज्योतिषी द्वारा ग्रहण के बारे में पहले ही बता चुका था, इसे सभी लोग आ गए। पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र का कल्याणार्थ, इनमें अंकुर, उग्रसेन, वासुदेव आदि तथा गदा, प्रद्युम्न, सान आदि यदुवंशी शामिल थे। सभी अपने पापों का नष्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, जबकि प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और यदुवंशी के सेनापति कृतवर्मा शहर की रक्षा के लिए द्वारिका में रहे। यदुवंशी स्वभाव में परम तेजस्वी थे और उनके गले में कीमती वस्त्र और कवच के साथ सोने की माला और दिव्य पुष्प शोभामान थे। इससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। इनके रथ देवताओं के विमान में समान गुजरते हुए हाथी और सुंदर पालकियों पर पत्नियों के साथ ऐसा लगता था मानो स्वयं स्वर्ग के देवता विचरण कर रहे हों। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद उन्होंने स्नान किया और सूर्य ग्रहण के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए उपवास किया। जब नंद बाबा को पता चला कि श्री कृष्ण और अन्य वधुवंशी कुरुक्षेत्र आए हैं, तो वे पूरे ब्रजवासी के साथ श्री कृष्ण और बलराम से मिलने आए। श्री कृष्ण और बलराम ने माता यशोदा और नंद बाबा को आंसू से आंखों भरकर अभिवादन किया। वे कुछ नहीं कह सके। नंद यशोदा ने अपने दोनों वीर पुत्रों को गोद में बैठाकर गले से लगाया। प्रेम की मूर्ति गोपियों को बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री राधा भी उनमें से एक थी, जिनका नाम भागवतम में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। गोपियों ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में धारण कर लिया और वे अपने हृदय के आलिंगन में लीन हो गए। उन्होंने इस अनुभूति को प्राप्त किया जो निरंतर अभ्यास करने के बाद योगियों के लिए भी दुर्लभ थी। श्री कृष्ण अब जो एकांत में के गोपियों के पास गए, उन्हें गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने इसे कहा, साथियों, में अपने रिश्तेदारों का काम करने के लिए पुल से दूर चला गया था। इस प्रकार आप जैसे प्यार को छोड़कर जो दुश्मनों को नष्ट करने में उलझे हुए थे, बहुत दिन बीत गए। क्या आप कभी मुझे याद करती थी? मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम सोचते हो कि मैं कृतघ्न हूँ और इसलिए अपने को बुरा मानता हूँ? निसंदेह ईश्वर लोगों के मिलन और योग का कारण है। वह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी को मेरा यह प्रेम मिला और मुझे प्राप्त करने का मार्ग है, आत्मा का अमृत है, क्योंकि मैं वही हूँ जो ब्रह्मांड के हर पदार्थ में मौजूद है। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। इस प्रयोजन का बार बार स्मरण करने में गोपियों का शरीर नष्ट हो गया और वह भगवान में लीन हो गई। उनके पास हमेशा के लिए भगवान है। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मीपति, जिस संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए आपके चरण कमल ही हैं। भगवान, हम पर ऐसी कृपा करें कि घर का काम काज करते हुए ही हम आपके चरण कमल में अपने प्राण त्याग दें। हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा 100 साल के लगाव के बाद द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के साथ ब्रज और राधा रानी के लोगों का मिलन हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।